सो हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बताने वाला है कि एलजी टीवी को अपडेट कैसे करें। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है, होम बटन पे क्लिक कर लेना है या फिर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा दूंगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर मोड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट रिसीव साउंड मोड, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो आपको ऑल सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा दे रहा पिक्चर साउंड प्रोग्राम यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी सारे एप्लीकेशन। तो आपको आना है जनरल में। सो चलिए यहाँ पे जनरल में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लैंग्वेज। सो यहाँ से आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लैंग्वेज हुए और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी सारे एप्लीकेशन टाइम डेट यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको आना है अबाउंट दिस टीवी पे। चलिए यहाँ पे अबाउंट दिस टीवी पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे इसे रिसेट करने से पहले आपको नेटवर्क को कनेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वाईफाई जो कि कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आना है आपको जनरल में, और जनरल में आने के बाद यहाँ पे इसको अपडेट करना है तो आपको आना होगा अबाउंट दिस टीवी में। तो अबाउंट दिस टीवी में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सॉफ्टवेयर वर्जन इतना और यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट। तो आप देख सकते हैं हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो मेरा जो कि टीवी है यहाँ पे अपडेट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नो अपडेट फाउंड यहाँ पे लिख रहे हैं। सो आप अगर आपका अपडेट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर।